हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्टिवेंस पे। तो साथियों, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रिलीज की गई है, जहां कि हमने आपको इसका नोटिफिकेशन वीडियो ऑलरेडी दे दिया है, जहां की 1785 पोस्ट की वैकेंसी रिलीज की गई है। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप लोग के जो कट ऑफ थे, पिछले साल के जो कट ऑफ थे, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और कितना मार्क्स आपका रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा किस यूनिट में, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए, जो भी फॉर्म भरने की इच्छा रखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, जो कि हाल फिलहाल में अभी 27 तारीख को रिलीज किया गया है। और ये भी ध्यान दे दीजिएगा कि 2 फरवरी तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए, उसके पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोग का मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरह से आप लोग का सिलेक्शन होता है, वो पहले जान लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपका मेरिट बनाया जाता है, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि मेरिट जो है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th में जो आपने मार्क्स जो ऑब्टेन किया है, उसी के आधार पर बनेगा। ठीक है, मतलब आपने जितना भी परसेंटेज अपना 10th में ऑब्टेन किया है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो है मेरिट बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट विल बी रिनॉक्ड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑन एनी सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। मतलब कि जितने भी पेपर थे आपके 10th में मेट्रिकुलेशन में, सभी को जोड़ करके परसेंटेज यहाँ पे डालना है आपको। जब फॉर्म भरिएगा, उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लिए, बेस्ट 5 ले लिए, बेस्ट 4 ले, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ये तो समझ गया कि किसके आधार पर आपका बनने वाला है मेरिट। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे यहाँ पे, जो कि लास्ट ईयर का, देखिए यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पिछले साल जो है निकाला गया था, जो कि कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे आपको हम दिखाने वाले हैं। चलिए, उसके पहले एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड एंड प्रेफरेंस एक्सरसाइज बाय द एप्लीकेंट्स फॉर ट्रेनिंग इन वेरियस यूनिट्स। मतलब कि आपने, कैंडिडेट ने, एप्लीकेंट ने जो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो जो यूनिट का चुनाव किया था सीरियल वाइज, पहला नंबर जो है रांची यूनिट, दूसरा नंबर टाटा, उसके बाद जो है चंद्रपुर, इस तरह से जो भी आपने सिलेक्शन किया था यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, उसी के आधार पर यहाँ पे आप लोगों का जो है कट ऑफ निकाला गया। उसके बाद उन लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया। मतलब उस यूनिट में अगर आप जिस यूनिट में अप्लाई किए, उस यूनिट में आपका अच्छा नंबर है, आपका ज़्यादा मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन हुआ है। उससे नीचे अगर मान लीजिए कोई दूसरा यूनिट में उतना मार्क्स पे, जिस जितना मार्क्स पे नहीं होना चाहिए था, मतलब कि कम मार्क्स वालों का भी हो गया, लेकिन आपका ज़्यादा मार्क्स था और आप जो है दूसरे यूनिट में चले गए, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं भी हुआ हो। इसलिए यहाँ पे जो है यूनिट मैटर करता है, और कौन से यूनिट में ज़्यादा झुकाव होता है बच्चों का, वो भी आप यहाँ पर देख पाइएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिस्ट में है आद्रा, ठीक है, कैरेज वैगन डिपोर्ट का, देखिए कारपेंटर ट्रेड के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ कितना गया था, तो अनरिजर्व का 67.17 गया था, अनरिजर्व 59.49 गया था। उसके बाद हम फिटर ट्रेड की अगर बात करेंगे आद्रा का, आद्रा में वैगन डिपोर्ट से, तो देखिए मैक्सिमम जो है अनरिजर्व का 89 गया है। अनरिजर्व का कम्युनिटी में देखिए सेलेक्टेड किस कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है, ये थे लड़का, ये जो देखिए सेकेंड वाला जो है टाइटन टांती, ये जो कैंडिडेट है थे ये SC कैटेगरी के, लेकिन इनका अनरिजर्व कैटेगरी सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इनका मार्क्स अच्छा था, 83.71 था 10th में। समझ गए बात? तो मैक्सिमम अगर आपसे मैं बोलूँगा कितना गया है, मतलब कि मैक्सिमम कितना नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, मैक्सिमम तो 89, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैक्स कि ये कट ऑफ नहीं कहलाएगा। कट ऑफ कौन सा नंबर कहलाएगा? जितना कम से कम पे सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगर, तो अनरिजर्व अगर हमको दिखेगा यहाँ पर, देखिए तो लास्ट यहाँ पर देखिए 71 पे भी सिलेक्शन हो गया है अनरिजर्व कैटेगरी में। हालांकि इनका SC था, बट इनका अनरिजर्व 71 पे भी हुआ है। ठीक है, अब और नीचे अगर बढ़ते हैं तो कौन सा कोटा, तो ये लास्ट हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फिटर ट्रेड का 71 नंबर गया है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसी तरह से अगर OBC की अगर हम आपसे बात करें, तो OBC में देखिए कितना गया है, तो 64.67 इस तरह से। ठीक है, और ST की बात करेंगे तो कितना गया, 64.29, ये हो गया आपका ST का कैटेगरी। उसी तरह से कट ऑफ में बता रहा हूँ, इतना कम से कम में सिलेक्शन हुआ है, SC का 65.57, ये हो गया आपका फीटर ट्रेड के लिए। मशीनिस्ट किस तरह से बात करेंगे, तो आद्रा का ही हम अभी चल रहे हैं, तो मशीनिस्ट में देखिए कितना अनरिजर्व 79.20 और 73.85 वालों का भी हो गया सिलेक्शन। बात करेंगे वेल्डर का,
तो वेल्डर का हम सीधे नीचे चलते हैं और एसटी कैटेगरी कितना में हुआ है, 52.75, एससी हुआ है 59.7, ओबीसी हुआ है 60 नंबर लाए हैं जो एसटी, तो बता दिए आप लोगों को। अनरिजर्व टैक्स देख लेते हैं 61.29। इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे बोकारो स्टील सिटी से यूनिट से, तो यहाँ पे देखिए ओबीसी वालों को 51.20 में ही मिल गया है। इसलिए कहते हैं कि आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा, परसेंटेज कम है बट आप अप्लाई जरूर कीजिए, क्या पता कौन से यूनिट में आपका लक बैठा है हो जाएगा। देखिए एससी में 59.60 में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अनरिजर्व का 62.00, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अब जो है नीचे बढ़ेंगे तो फीटर में देखिए बोकारो स्टील सिटी में अगर बात करेंगे एससी का तो 65.67, ओबीसी का 70.60, अनरिजर्व का 74.40। इतना परसेंटेज अगर आपको है तो आप बेझिझक अप्लाई कीजिए, और कम भी है तो भी अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से और सब यहाँ पे है, बोकारो स्टील सिटी इलेक्ट्रीशियन में देखिए आद्रा इलेक्ट्रिक लोकोसेट जो यूनिट है यहाँ से देखिएगा तो ओबीसी का 62.86, और फिर अनरिजर्व का देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 75.20। तो गाइज यहाँ पे जो है ये तो पीडीएफ लंबा मिलेगा आप लोगों, जो भी यूनिट का आपको देखना होगा इस पीडीएफ में आप लोग जो है चेकआउट कर पाइएगा। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कौन सा यूनिट से हम डालें ताकि सिलेक्शन आपका हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमने प्रोसेस बता दिया है चेकआउट करने का, आप चेक कर सकते हैं इसको। और एक रफली अगर आप मानते हैं इन पूरे पीडीएफ को अगर झलक दीजिए देखिएगा तो मोर और लेस जो है अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी मैं ओवरऑल जनरलाइज तो ऐसे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिशियन फिटर मैसनिस्ट सबका अलग अलग सबका जो है कटअप जाता है और जो है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार से जाता है, इसलिए वो बता पाना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी आप मैं मेरी राय यही रहेगी 60% 50% सभी लोग भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ 50% से कम अगर होगा तो फिर आप फॉर्म ही नहीं भर पाएगा, ये भी कंडीशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं और ये पीडीएफ में जरूर चेकआउट कीजिएगा कि कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, इस तरह के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल पर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।